नज़र वालों की कहाँ रब पे नज़र है साहिब, नज़र वालों की कहाँ रब पे नज़र है साहिब, मगर जो रब है उसकी सब पे नज़र है साहिब। नज़र वालों की कहाँ रब पे नज़र है साहिब, मगर जो रब है उसकी सब पे नज़र है साहिब। जिस सियासत का खुद ही ईमान नहीं उसकी, जिस सियासत का खुद ही ईमान नहीं उसकी, हमारे और तुम्हारे मज़हब पे नज़र है साहिब। आदाब, गुड मॉर्निंग, मैं इम्तियाज़ वानी, सोशल एक्टिविस्ट, यूथ वॉलंटियर। आज सुबह सर्दी में ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये रहा कि मैं कहीं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और ये जो सड़क आपको दिख रही है, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा पीछे, ये जो सड़क दिख रही है आप लोगों को, ये मरम्मत की सड़क है। जिस मरम्मत में 5 से लेके 10 कैंडिडेट DDC इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, और जब मैंने उन लोगों का मोटिव देखा, पार्टिसिपेशन का मोटिव देखा, तो उसमें रोड्स कनेक्टिविटी या रोड ठीक करना या बिजली का देखा मैंने, लाइट्स प्रोवाइड करना, पानी के मसले, ये सब मैंने उस चीज़ में देखा। तो जब मैंने ये रोड देखी तो मुझे याद आया कि उसमें रोड्स का दिया हुआ था, तो ये है हमारी कंडीशन। 70 साल से, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन में उठता है तो उसका यही मोटिव रहता है कि रोड्स के बारे में, हम आपको रोड्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसी रोड होगी वैसी रोड होगी। तो साहब, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये वही रोड है, ये वही मरम्मत रोड है जिस रोड पे एक महीने में कम अज़ कम आपको 4 एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी जगह दिखा दूँ जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था। ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, ये दिखाने की कोशिश करें, ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, इस जगह पे एक महीना पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तो आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मैंने एक थोड़ी सी जगह ले ली हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कम अज़ कम आपको ये यहाँ से लेके डोडा तक इस सड़क की ऐसी ही कंडीशन है। थोड़ा मैं आपको और पीछे, ये पीछे तक दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा दिखाइए, ये पीछे दिखाइए आप, थोड़ा सा ये दिखाइए, यहाँ पे इंसान को चलने के लिए जगह नहीं है। तो आप मुझे बता दें कि इस जगह पे इस सड़क पे गाड़ियाँ किस तरह से चलेंगी। तो मेरा ये मैसेज रहेगा, आप मरम्मत वासी, जितने भी मरम्मत के लोग हो, कि इस बार जितने भी ये कैंडिडेट्स आप लोगों से भीख मांग रहे हैं रोड्स के नाम पे, अभी मैं देख रहा था 12th क्लास के बच्चे हायर सेकेंडरी पेपर देने के लिए जा रहे थे और मैं मरम्मत के अंदर ही हूँ, मैं देख रहा था कि रात को लाइट नहीं थी, ऐसी लाइट थी कि जिसको टॉर्च जला के देखना पड़ रहा था, लाइट नहीं थी। और ये रोशनी के वादे करते हैं, रोड्स के वादे करते हैं, तो साहब ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो याद रखिएगा, जो आपके दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आता है, तो ये एक आप छोटे छोटे ये वीडियोस या ये फ़ोटोज़ उनको उनके मुंह पे मार लीजिएगा। तो ध्यान रहे, मेरे ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो ये DDC इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी भीख ना दें। आप फिर से मैं बताऊँगा कि कोई ईमानदार, कोई लॉयल, पढ़ा लिखा आदमी जो हो, उस आदमी को चुने आप जो आपकी खिदमत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।